राजा बाबू का 64 साल की उम्र में हुआ निधन। जी हाँ दोस्तों, सिनेमा से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। बता दें कि राजा बाबू जिनकी उम्र 64 की थी और उनका डेथ हो गया। बताया ये जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से लंबे समय से वे जूझ रहे थे। उन्होंने बीते दिन ही अपनी अंतिम सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ हफ्ते से राजा बाबू स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से लेकर जूझ रहे थे। उनका जन्म 13 जून 1997 को ईस्ट गोदावरी जिले में हुआ। राजा बाबू तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। उन्होंने 1955 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म और की मोनगढ़ू है। उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्हें अधिकतर सपोर्टिंग रोल में देखा गया था। राजा बाबू ने क्रिएटिव डायरेक्टर कृष्णा वामसी जैसे निर्देशकों के साथ भी काम किया है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप भी चैनल फ्यूचर तक पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।